नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत देख रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, विश्व में लगातार विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ है और दुनिया के अलग अलग देश ऐसे हैं जो लगातार अलग अलग देशों पर निगाह इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध करीब 2.5 साल हो चुका है। ईरान इसराइल में टकराव हर दिन के साथ आगे बढ़ रहा है और ये जो अलग अलग तसल की खबरें हैं अलग अलग देशों के बीच में, उससे विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं, क्या ये विश्व युद्ध की आहट है? रूस का यूक्रेन पर बेहद गंभीर इन सभी हालातों के बीच में सामने आया है। यूक्रेन पर एटमी युद्ध करवाने का आरोप लगवा दिया है रूस कह रहा है एटमी युद्ध करवाना चाहता है। यूक्रेन कुर्स्क परमाणु प्लांट पर हमला कर सकता है, हमले का आरोप रूस पर डाल सकता है। यानी कि यूक्रेनी सैनिक जो पहली बार रूस की सीमा में दाखिल होकर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, रूस के अलग अलग इलाकों पर कब्जे कर रहे हैं, ऐसे में रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन कभी भी एटमी युद्ध करवा सकता है, एटमी युद्ध करवाना इनफैक्ट चाहता है यूक्रेन। कुर्स्क परमाणु प्लांट पर हमला कर सकता है और इस हमले का आरोप भी वो रूस पर डाल सकता है। ये गंभीर आरोप लगा दिया है रूस ने यूक्रेन पर। यूक्रेन जो कि भारी तबाही झेल रहा है, अभी भी झेल चुका है और झेल रहा है, और ऐसे में रूस की सीमा में जब दाखिल हुए हैं यूक्रेनी सैनिक और रूस ठीक वही जख्म इस वक्त झेल रहा है जो कि यूक्रेन पिछले 2.5 साल से झेलता आया है, तो रूस ऐसे में भड़क भी रहा है। पुतिन एक के बाद एक हमले के इंस्ट्रक्शंस दे भी रहे हैं, लेकिन रूस ने लगा दिया है बड़ा आरोप, कह रहा है कि एटमी युद्ध करवाना चाहता है यूक्रेन। अब ऐसे में क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा हुआ तो आखिर होगा क्या, क्योंकि लगातार यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, रूस के अलग अलग इलाकों में हमला कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि क्रीमिया पर कब्जा हुआ तो होगा क्या? यूक्रेन ब्लैक सी फ्लीट को तबाह कर सकता है जिससे तबाही बड़ी होगी। यूक्रेन पर काला सागर से मिसाइल हमले भी किए जा सकते हैं, ऐसे में रूसी एयरबेस पर यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा अगर हालात इसी तरीके से चलते रहे। रूस के फाइटर जेट क्रीमिया से उड़ नहीं पाएंगे, ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी रूसी सैनिकों के सामने। साथ ही साथ रूसी फाइटर जेट यूक्रेन पर हमले भी नहीं कर पाएंगे। यहां से जहां से लगातार यूक्रेन पर हमले होते रहे उसी जड़ को काटना चाहता है यूक्रेन, और इसीलिए यूक्रेनी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले आखिर क्यों बढ़े हैं, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, ये भी जानिए। क्रीमिया में रूस की ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है, ब्लैक सी फ्लीट से ही यूक्रेन पर क्रूज हमले होते हैं, इसीलिए तबाही यूक्रेन ने झेली है। यूक्रेन पर क्रीमिया एयरबेस से हमले करता है रूस और क्रीमिया से उड़कर हमले करते हैं रूसी फाइटर जेट, इसीलिए वहीं पहुंचकर यूक्रेनी सैनिक तबाही करना चाहते हैं। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना को क्रीमिया से ही सप्लाई होती है। अब आप समझिए कि जब जड़ को ही खत्म कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तो फिर रूस के पास ऑप्शन बचेगा क्या, यूक्रेन को घेरने का या फिर यूक्रेन पर हमला करने का? और इसीलिए स्ट्रैटेजी वाइज यूक्रेन ने ये कदम आगे बढ़ाए हैं और क्रीमिया की तरफ वो आगे लगातार बढ़ता हुआ, और अब जो खबरें हैं वो ये कि क्रीमिया पर कब्जा करने की तैयारी में है यूक्रेनी सैनिक, और अगर हो जाता है तो ये हालात पैदा होंगे जो अभी हमने आपको कुछ पॉइंटर्स में समझाए हैं, बताए हैं। इस पर बात करने के लिए कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डीके पांडे मेरे साथ में जुड़ गए हुए हैं और जो भारतीय वायुसेना से ताल्लुक रखते हैं। अरविंद तेजावत जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं कैप्टन डीके पांडे, एक तरफ तो यूक्रेन में भारी तबाही, यूक्रेन इस तबाही को पिछले करीब 2.5 साल से झेल रहा है, अब जब रूस की सीमा में दाखिल हो गए हैं यूक्रेनी सैनिक, वही जख्म अब रूस को मिल रहा है, लेकिन आगे स्ट्रेटजी जब क्रीमिया की तरफ बढ़ रही है होगा क्या? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्न आया है पूरी स्टोरी में, जो कि फरवरी 2022 में शुरू हुई और किस प्रकार से रशिया ने बहुत ज़बरदस्त आक्रमण किए, और पहले इन्होंने एरियल मीडियम को सेलेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने एरियल मीडियम को छोड़ के और ग्राउंड फोर्सेस को जो है शुरू किया। देखिए, वर्ल्ड वॉर टू के बाद पहली बार हुआ है कि रशियन क्षेत्र में, रशिया की सीमा के अंदर कोई गैर मुल्की फौजें दाखिल हुई हैं और लगभग 10,000 से के आसपास यूक्रेन ट्रूप जो है वो एंटर कर गए हैं। साथ में दो बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय सामने आ रही है, एक तो क्रीमिया पर अगर अटैक कर लेता है यूक्रेन और उस पर कब्जा कर लेता है तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल जो है प्रेशर पड़ेगा रशिया पर, क्योंकि रशिया इतने जो वर्चस्व बनाए हुए था अभी तक के रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वहाँ थोड़ा सा वो रिसीविंग एंड पर आ गया है। दूसरी बात कि कुर्स्क के अंदर एक इनका न्यूक्लियर प्लांट है, ऐसी भी उम्मीद की जाती है कि यूक्रेन फोर्सेस वहाँ भी अटैक करती है, और जो अभी रशिया की तरफ से ये आया है कि
अगर आपने न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करने का प्रयास किया तो फिर न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है। तो ये जो है क्वेश्चन, देखिए हम देख रहे हैं पिछले दो साल से, दो ढाई साल से, कि किस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त कोशिश की गई, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि इनका प्रयोग नहीं होगा। रीज़न उसका ये है कि सबको पता है कि इससे क्या तबाही होती है। तो दो बड़े महत्वपूर्ण जो पॉइंट यहाँ पर उठते हैं, पहली बात की जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा रशियन फोर्सेस पर, वो एक नेगेटिव होगा, और यूक्रेन की सेनाओं के लिए वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। दूसरी बात, अगर क्रीमिया को किसी भी प्रकार से यूक्रेन सेना कब्जा कर लेती है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी रशिया के लिए, क्योंकि वो शुरू से क्रीमिया पर जो उनका कब्जा था वो माना जा रहा था क्रीमिया उनका गढ़ है, और वो ये क्लेम करते रहे कि वहाँ के जो लोग हैं वो रशिया समर्थक हैं और रशियन ही हैं। तो इन सब के बीच में जो समीकरण बन रहा है थोड़ा सा वो मुश्किल पैदा करने वाला है। लास्ट पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब ऐसे हालात पैदा होंगे तो रशिया के पास करता मरता क्या ना करता वाली जो कंडीशन में पहुंचेगा, तब वो एक अपना अलग कदम उठाएगा। निश्चित रूप से न्यूक्लियर नहीं होगा जहां तक मेरा विश्वास है, क्योंकि आज के जमाने में न्यूक्लियर वेपन्स एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग के लिए है, डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग के लिए वेपन बन गए हैं, और वो एक्चुअल में प्रयोग नहीं करेंगे। सबको पता है कि किस प्रकार से डैमेज होते हैं न्यूक्लियर फोर्स के इस्तेमाल से। तो अब जो एरियल अटैक की बात हो रही है कि किस प्रकार से, जो अभी जो खबरें आई है कि Su-24 को भी उन्होंने, जो यूक्रेन में था उसको भी उन्होंने टारगेट किया है और उसको डिस्ट्रॉय किया है, तो रशियन डेफिनेटली अब एरियल मीडियम से, क्योंकि अभी तक उन्होंने एरियल मीडियम का प्रयोग नहीं किया था उतना जितना करना चाहिए, क्योंकि एयर सुपरियोरिटी और कंट्रोल ऑफ एयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आज के मॉडर्न वॉरफेयर के। वो दोनों ही देश जो हैं वो एयर वॉरफेयर से उन्होंने थोड़ा बहुत अपने आप को दूर रखा, केवल ड्रोन अटैक जरूर होते रहे, और ड्रोन से बहुत कुछ हासिल किया गया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो चीज़ें भी हासिल की गई। तो रशिया अब शायद अपने एयरफोर्स को एक्टिवेट करके और इन सेनाओं पर कुठाराघात कर सकता है, लेकिन एक इसमें कमी और आती, मुश्किल उसके साथ आएगी कोलेटरल डैमेज की, कि उसको जब टारगेट करेगा यूक्रेन फोर्स को तो रशियन जो मूल के लोग हैं उन पर भी निशाना पड़ सकता है, उनको भी डैमेज हो सकता है। अब नुकसान तो चौतरफा ही होगा, और दोनों तरफ नुकसान अब इसलिए है क्योंकि युद्ध के हालातों में यही होता है, ऐसा नहीं है कि नुकसान एक तरफ होता है। यूक्रेन ने बड़ी तबाही झेली, वहाँ कुछ ऐसा एज सच बचा भी नहीं है जिसे बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन हाँ अब पलटवार जब रूस की तरफ आया है यूक्रेन की तरफ से, तो रूस में भी ऐसी तबाही है जो आम लोगों तक भी पहुँचेगी। मैं रुक करूँ इसमें आगे, लेकिन बड़ी खबर उससे पहले कुर्क से जुड़ी हुई है, अरविंद तेजावत जी से मैं उनका रिएक्शन लूँ, लेकिन उससे पहले कुर्क, जहाँ पर जंग के हालात बने हुए हैं, और कुर्क की जंग में रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है, कोर्क्स जहाँ पर रूसी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है यूक्रेन के हमले में, रूसी हेलीकॉप्टर तबाह हो गए हैं, यूक्रेन ने KA-52 हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। एयर स्पेस में घुस जाना, फाइटर जेट्स का ना उड़ना या फिर हेलीकॉप्टर को तबाह कर देना, ये सब कुछ यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से अब बहुत ही एग्रेसिव मोड में हो रहा है। अरविंद तेजावत जी, रूसी सैनिक यहाँ पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, यूक्रेनी सैनिक भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्रीमिया की तरफ नजर, एयर स्पेस की तरफ यूक्रेनी सैनिक बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया रूस का। बिल्कुल रचना जी, दरअसल नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला था कि जो लड़ाइयां हैं या युद्ध हैं वो दिमाग से जीते जाते हैं, तो अगर कोई दिमागी तौर पर अगर हार चुका है पहले ही तो उसका जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ यूक्रेन जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और वहां का जो एक एक नागरिक है वह रूस के खिलाफ अपनी जान तक देने के लिए उतारू है। वहीं पर रूस जो है, यह लड़ाई दरअसल जो खासकर रूसी सैनिक है पुतिन को छोड़कर, वो ये कह रहे हैं कि ये पुतिन हमने नहीं देखा था, हम जिस पुतिन को जानते हैं वो तो बहुत ही अलग किस्म का था, यह तो पूरे ईगो की लड़ाई है जो पुतिन की है यहाँ पर, क्योंकि वो मानसिक रूप से ना तो रूसी जनता में उसका कोई खास समर्थन है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े तौर पर नरसंहार हो रहा है, और दूसरा ये भी है कि 90 से पहले तक तो ये जो यूक्रेन है वह रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, आज भी यूक्रेन में बहुत ही रशियन उतनी ही पॉपुलर है। तो यह सारा जो साइकोलॉजिकली दरअसल जो रूस है वह एक लड़ाई हारी हुई लड़ रहा है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, एक तरफ तो वार और पलटवार हो रहा है, साइकोलॉजिकली भी युद्ध कई बार जीते और लड़े जाते हैं, और उसी मोड में अभी यूक्रेनी सैनिक है। एक और बड़ा अपडेट है, ज़ेपोरिजिया से बड़ा अपडेट है, ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले की खबर है, और रूस इसमें दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने हमला किया है।
हमले के बाद IAEA का ये बड़ा दावा सामने आया, न्यूक्लियर सुरक्षा की स्थिति बिगड़ गई है। ये दावा IAEA की तरफ से किया गया है। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पर अब संकट बढ़ गया है, ये बड़ा दावा किया गया और इसके पीछे हाथ बताया जा रहा है यूक्रेन का। अरविंद जी, बिल्कुल, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करते ये बता रहा था कि दरअसल यूरोप से अभी यूक्रेन के पास बहुत सारे हथियार आए हैं, तो पहले वाली स्थिति नहीं है, इसलिए यूक्रेनी सैनिकों में एक खास नया जोश है, क्योंकि यूरो अमेरिकन जो पूरा वेस्ट जो खेमा है उन्होंने इन दिनों में यूक्रेन को बहुत ही मजबूत बनाया है, खासकर सामरिक तौर पर, और ऐसे ऐसे हथियार आए हैं जो उनको युद्ध में बढ़त दिला सकते हैं, इसलिए रूस के लिए ये स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। दूसरा, रूस ये पूरे विश्व को, खासकर पश्चिम को, ये संदेश देना चाहता है कि देखिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, यहाँ तक कि परमाणु हमले की हद तक भी। तो वह साइकोलॉजिकली दरअसल ये पूरा आरोप जो है वह यूक्रेन पर लगाने का कोशिश कर रहा है, ताकि वह सीधा सीधा उसको लोग कसूर में भी ना डालें, और वह ये उनको ये संदेश भी देने में कामयाब रहे हैं कि देखो परमाणु हमला भी हो सकता है और उसके लिए रूस कोई भी स्ट्रेटजी बनाने के लिए तैयार है। तो मानसिक तौर पे अभी जो रूस जो ये हारी हुई लड़ाई है उसको जीतने के लिए या उन लोगों पे दबाव बनाने के लिए यह सारा स्ट्रेटजी कर रहा है, यानी स्ट्रेटजी अलग अलग तरीके से सामने आ रही है, और अब माना यह जा रहा है कि जो युद्ध की आग है वो और ज्यादा भड़केगी और ज्यादा बढ़ेगी। और इन सब के बीच ही रूस ने कर दिया है बड़ा दावा, ये दावा क्या है जल्दी से दर्शकों को बता दें। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, यूक्रेनी सैनिक पहले से ज्यादा अग्रेसिव मोड में आ गए हैं। इस बीच रूस कर रहा है बड़ा दावा, यूक्रेन एटमी युद्ध करवाने की साजिश यहाँ पर रचता हुआ नजर आ रहा है, ये रूस का दावा है। साथ ही साथ रूस कह रहा है कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमला भी कर सकता है यूक्रेन। यूक्रेन जो कि प्लांट पर हमला करेगा तो रूस को और ज्यादा भड़का भी सकता है, रूस को और ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। प्लांट पर हमले का आरोप रूस पर लगा सकता है, यानी कि रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन हमला करेगा और उसके पीछे नाम रूस का लगा देगा। रूस ने यूक्रेन को ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी है, जो कि वो लगातार बार बार दे रहा है। यूक्रेन ने रूस के आरोप को प्रोपेगेंडा बताया है, लेकिन क्या ये वाकई प्रोपेगेंडा है इस पर हम बात करें। उससे पहले एक बड़ा अपडेट, रूसी सेना ने फिर से सरेंडर कर दिया है, जो जानकारी अभी की है 15 स्क्वायर किलोमीटर में सरेंडर, सेम नदी के किनारे से सेना हट गई है। अब ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर है अगर रूसी सैनिकों की तरफ से ये किया जा रहा है, सरेंडर एक बहुत बड़ी सिचुएशन होती है युद्ध में। सेम नदी के किनारे से सेना हट गई है, रूसी सेना ने फिर से सरेंडर कर दिया है 15 स्क्वायर किलोमीटर में, ये सरेंडर की खबर सामने आ रही है। और इस खबर के बीच में जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है, उस सिचुएशन में रूसी सेना अगर पीछे हटती है तो जाहिर सी बात है यूक्रेनी सेना और ज्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़ेगी और ज्यादा बर्बादी यूक्रेनी सेना की तरफ से यहां पर दिखाई जा सकती है। इसमें परेशानी बड़ी है, और ऐसे में कर्नल पांडे, इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? रूस जो अभी तक आक्रामक था, एक तरीके से यूक्रेन पर चढ़ा हुआ था, अब रूसी सेना अगर सरेंडर कर रही है या पीछे हट रही है, इसके संकेत क्या है? देखिए, ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक ट्विस्ट आया है कहानी में, और निश्चित रूप से ये पुतिन के माथे पर सलूटे एक के बाद बढ़ती जा रही होगी, क्योंकि कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि यूक्रेन जो है उनके क्षेत्र में आके उनको जो है वो मुकाबले के लिए बुलाएगा। और निश्चित रूप से इस समय वो डिफेंसिव पिच पे हैं और बहुत प्रेशर है रशियन फोर्सेस पर, और नेतृत्व भी डेफिनेटली निश्चित रूप से है। जहां तक बात है कि ज़ापोरिज़्या के जो न्यूक्लियर प्लांट के बारे में बात हो रही है, हाँ। वो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने, इनके जो डायरेक्टर है मिस्टर ग्रॉस, उन्होंने ये घोषणा की कि जो ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट के बगल में रोड है वहां पर यूक्रेन से हमला हुआ है और फिर हमला हो सकता है। तो अभी प्लांट पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि हमला हो सकता है, क्योंकि दो कारण उसके हैं। एक तो ये कंफ्यूजन किस प्रकार का डिसीजन मेकिंग में, और दूसरा जो अभी डेवलपमेंट हुआ है क्रीमिया की तरफ से यूक्रेन सेनाओं का बढ़ना, और साथ ही उस क्षेत्र में यूक्रेन फोर्सेस का आगे बढ़ना, साथ में जो खबरें आप बता रही हैं कि रशियन फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया है,
ये तो निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त ट्विस्ट होगा कहानी में, लेकिन आगे देखना होगा कि ये कहीं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा तो नहीं है। और दो बातें इसमें मेरे सामने फिर दिखती हैं। पहली बात तो ये कि अगर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, जो कि साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑलरेडी मिस्टर पुटिन पर और रशियन फोर्सेस पर, वो बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ जाएगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए लड़ना, क्योंकि रशिया जो है काफ़ी लंबे समय से आर्म्स एम्यूनिशन की कमी भी झेल रहा है, साथ में जो उनके ऊपर इतने सैंक्शन लगाए, खुल के कोई भी देश उनके सपोर्ट में नहीं आ पाया है, तो वो अलग थलग सा पड़ा। यानी विक्टिम कार्ड भी एक तरीके से रूस खेल रहा है, प्रोपेगेंडा भी चला रहा है, जैसा कि यूक्रेन का इन सभी आरोपों पर कहना है। साथ ही साथ एक अपडेट जो है वो वेस्ट बैंक से भी है। वेस्ट बैंक के, चूंकि रूस यूक्रेन का जिक्र तो हम लगातार कर रहे हैं, उधर ईरान इसराइल को लेकर भी लगातार डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, और ईरान इसराइल में जो टकराव की स्थिति बढ़ी है वो भी एक विश्व युद्ध के खतरे के तौर पर देखी जा रही है। वेस्ट बैंक से खबर है, वेस्ट बैंक के जेनिन में इसराइल ने किया है बड़ा हमला। कार पर हमले के बाद जोरदार धमाका भी हुआ है। इस हमले में हमास के दो बड़े कमांडर्स की मौत हो गई है। देखिए, अलग अलग चुनौतियां अलग अलग देशों के बीच में, एक तो रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध जिसको लेकर तमाम अपडेट हमने आपको बताए, लेकिन यहाँ ईरान और इसराइल में कैसे ये टकराव हर दिन के साथ आगे बढ़ रहा है आप जानिए। चूंकि इसराइल ने कर दिया एक और बड़ा हमला जिसमें हमास के दो बड़े कमांडर्स की मौत हो गई है। वेस्ट बैंक में जेनिन में इसराइल ने ये बड़ा हमला किया है। इस बड़े हमले को लेकर जिस तरह की अभी तक की जानकारी है, ईरान और इसराइल में टकराव और ज्यादा बढ़ ही जाएगा अरविंद जी, जो कि पहले से बढ़ा हुआ है। छिटपुट घटनाएं या फिर ये कहिए कि हमले, कोशिशें, ये सब कुछ हो ही रहे। बिल्कुल सही कहा है। दरअसल पूरा अगर विश्व देखे तो उसकी जो व्यवस्था है वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुई है, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम में ये था कि अगर किसी राष्ट्र पे कोई हमला करता तो उसके सहयोग के लिए कोई जो दूसरा खेमा है वह आ जाता था। अब क्योंकि विश्व में कोई खैर ख्वाह नहीं है, इसलिए वो बहुत ही जो मानवाधिकारों का हनन और जो खासकर जो नरसंहार है वह बहुत ही तेजी से बढ़ा है। ये जो उन्होंने वेस्ट बैंक पे जो इजरायली सेनाओं ने जो हमला किया है वह वाकई ही मुझे लगता है कि एक और बड़ा उनके लिए मतलब शोकपूर्ण है, खासकर जो फिलिस्तीनी जनता है उनके लिए, और उनके लिए वह जो समर्थन या जो सहयोग, ईरान भी अभी युद्ध से काफी पीछे हटते हुए नजर आ रहा है जो उसने चेतावनी दी थी, तो मुझे लगता है कि खासकर फिलिस्तीन के लिए कहीं से भी कोई सहयोग मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा वहां के लोगों के लिए, यह बहुत ही दुखद या बहुत ही युद्ध विराम की जो खबरें हैं वो बीच बीच में रह रहकर सामने आती रही है। अमेरिका भी यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है, उधर ईरान लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश, प्रॉक्सी देशों के साथ मिलाकर करने की कोशिश, लेकिन इन सब के साथ ही युद्ध विराम की कोशिशें कैसे फेल साबित हो रही हैं ये भी दर्शकों को हम जल्दी से बता दें। हमास का इस बीच दावा सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि इसराइल अपने वादे से साफ साफ मुकर रहा है, बाइडेन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा है इसराइल, ये साफ तौर पर हमास का दावा, और इसीलिए ये जो युद्ध विराम है ये हो नहीं पा रहा है। फिलाडेल्फिया और नेतजारिम कॉरिडोर छोड़ने की तैयारी नहीं है, ये हमास की तरफ से दावा सामने आया है। यानी कि अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है, ईरान को पीछे हटने के लिए कह रहा है, इसराइल ये साफ कर चुका है जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा, यानी कि जो हमले हैं गाजा में ये रह रहकर होते रहेंगे। वेस्ट बैंक में बड़ा हमला किया है और हमास के दो कमांडर के मारे जाने का दावा है, लेकिन इनके साथ ही हमास ये कह रहा है कि इसराइल युद्ध विराम की किसी भी कोशिश को यहाँ अंजाम देने के इरादे में नहीं है, और वो अपनी बातों से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, कहता कुछ है करता कुछ है और यहाँ वो युद्ध विराम की तरफ कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रहा। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट आप जानिए, तेल अवीव में हिजबुल्ला का रॉकेट हमला सामने आया है और इस रॉकेट हमले से इमारत में लग गई है भीषण आग। यानी जो टकराव की स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है, आग की खतरनाक लपटों से घिरी हुई ये इमारत नजर आई है। तेल अवीव में हिजबुल्ला की तरफ से किया गया है रॉकेट हमला, हिजबुल्ला जो रह रहकर ये हमले कर रहा है और बड़ा नुकसान पहुंचाने के इरादे से हिजबुल्ला की तरफ से कोशिश, हालांकि इससे पहले भी ये दावा होता रहा है कि हिजबुल्ला के हमले से कोई बड़ा नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन इन दावों में सच्चाई कितनी है ये वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे साफ हो पाएगा। कर्नल पांडे, हमास के दावे में सच्चाई क्या है, इसराइल की बातों पर कितना यकीन किया जा सकता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति है, हर कोई मतलबी है, हर कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है और हर कोई अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। देखिए, जब से हमास के नेता हानिये की जो है वो हत्या की गई ईरान में, तेहरान में,
उसके बाद से ईरान बहुत बौखलाया हुआ है और खुल के वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर जो मिडिल ईस्ट में सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं के बीच में अंडर करंट्स बहुत सारे हैं। तो एक था जो कि उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो सभी देश एक साथ मिलकर इसराइल पर अटैक करें, उसकी संभावनाएं जो है समय के साथ वो क्षीण होती चली गई। अब जो जिस हमले का आप जिक्र करें, कल डेढ़ घंटे तक लगातार नॉर्दर्न इसराइल पर, उत्तरी इसराइल के ऊपर हिफ्जुल्ला ने अटैक किए हैं और मिसाइल के और बाकी रॉकेट्स प्रोजेक्टाइल भेजे हैं। और जिन दो कमांडरों की बात आप कर रही हैं वो अहमद अबू अर्रा और राफित दवासी, ये बहुत ही उनके इम्पोर्टेंट थे जो कि जनिन जिले में ऑपरेट कर रहे थे और हमास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो उनकी जो उनको उनके खात्मे की खबर आई है। और इसराइल ने जो अभी अटैक किया है, निश्चित रूप से जब इसराइल पर डेढ़ घंटे का, आप सोच लीजिए कि लगातार कितनी मिसाइल, उनका नंबर नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा जाता है कि सैकड़ों की संख्या में ये मिसाइल्स और रॉकेट्स भेजे गए हैं। तो नॉर्दर्न इसराइल में क्या डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट अभी आना बाकी है डिटेल में, लेकिन साथ में जो शांति वार्ता की बात चल रही है कि वो अभी भी अमेरिका ने जो है उसकी जो है उम्मीद नहीं छोड़ी है। और ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो है उसके बारे में जो रिक्वायरमेंट है वो इजिप्ट और कतार की हेल्प से अमेरिका जो है वो चाह रहा है, क्योंकि देखिए चुनाव भी है अमेरिका में, तो चाहते हैं कि बाइडेन चाहते हैं कि एक पॉजिटिव जो है लोग जो वोटर्स का एटीट्यूड उनकी पार्टी की तरफ जाए। तो इस सबको देखते हुए उन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर शांति स्थापना के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि जारी रहेंगे। लेकिन क्योंकि अब नेतन्याहू ये वादा कर चुके हैं कि भाई वो अपनी जनता से कि हम हमास को समाप्त करके रहेंगे, ऐसे में बड़ा मुश्किल हो रहा है कि उधर ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमास के चीफ को मार दिया गया तो उसका बदला हमें जरूर लेना है। उधर इसराइल की तरफ से नेतन्याहू अपने देश के लोगों के सामने अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं, और उधर अमेरिका जहां बाइडेन आने वाले चुनावों में अपनी पार्टी को इसका फायदा चाहते हैं इसीलिए इंटरफेयर उनकी तरफ से ज्यादा। लेकिन इन सब के साथ एक और अपडेट है, तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में अंधेरा हो गया है। ईरान के मिसाइल हमले की विध्वंसक तैयारी है, पावर कट के पीछे भी ईरान की जंगी तैयारी कही जा रही है। अंधेरे में ईरानी मिसाइल का मूवमेंट सामने आया है, अंधेरे में ईरानी मिसाइल की सीक्रेट तैयारी चल रही है, सैटेलाइट की नजर को चमका देकर तैनाती यहां पर सामने आई है, सैटेलाइट की नजर को चकमा देकर, माफ कीजिए ये चकमा देने की खबर है, सैटेलाइट की नजर को चकमा दे दिया जाए ताकि अंधेरा पूरा हो जाए। और इसी अंधेरे में ये मिसाइल अटैक की तैयारी ईरान अंदर खाने कर रहा है। कर्नल पांडे, ईरान तो लग रहा है किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। देखिए निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत मुश्किल का वक्त है, क्योंकि वहाँ पर जो है नए कमांडर की जो है वो ताजपोशी होती है और उसमें आपके एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान को कोई आपकी लक्ष्य बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा की खामी के बारे में है। लेकिन अब जो साइकोलॉजिकल प्रेशर को समय के साथ ही वो हल कर पाएगा कि ईरान, देखिए निश्चित रूप से ये मैंने पिछली डिबेट्स में भी कहा है कि ईरान इस स्थिति में नहीं कि वो अटैक कर सके, क्योंकि ना उसकी माली हालत है ना उसकी फौजी हालत ऐसी है कि वो इसराइल पर अटैक करे, क्योंकि इसराइल बहुत आगे है इन इक्वेशंस में। तो लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि शांति के जो प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से इसराइल ने ये कहा है, जो कल की खबर है मैंने ट्विटर पर देखा, इसराइल के लोगों ने कहा है कि भाई क्योंकि शांति वार्ता है इसलिए हम अभी अटैक नहीं करेंगे, हमें उम्मीद है कि शांति वार्ता हो जाएगी और इसराइल जो है अपने लिए पछतावेगा और माफी मांग लेगा। तो कुछ ऐसे जो है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बन रहे हैं। देखिए राजनीति में और कूटनीति में कब क्या हो कहना मुश्किल है, संभावनाओं की उम्मीद नहीं छोड़ी जानी चाहिए, संवाद जब तक कायम है राजनीति में भी और युद्ध की स्थिति में भी कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। ईरान के हमले को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर है, एक और बहुत बड़ा अपडेट है, ईरान के कई एयर जोन में उड़ानें फिर से बंद हो गई हैं, नेवी और आर्मी में बड़ी तैनाती की गई है, यानी ईरान चौतरफा इसराइल को घेरने की तैयारी में भी, और ये बड़ी तैयारी कुछ इस तरीके से सामने आई है ईरान के हमले को लेकर, ये बहुत बड़ा अपडेट है, जहां पर ईरान के कई एयर जोन में उड़ानें फिर से बंद है। अरविंद जी, ईरान लग रहा है इस बार जो कह रहा था कि अब तक का सबसे बड़ा ये विध्वंसक हमला होगा वही अंजाम देकर रहेगा, या फिर ये सिर्फ दिखावटी और प्रोपेगेंडा खबरें हैं? मुझे काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि आप देखिए सऊदी अरेबिया है वह भी पीछे हट गया है और वह इसराइल से दोस्ती करना चाहता है, और वहाँ के जो किंग है उन्होंने ये कहा कि देखिए हम तो उनसे दोस्ती चाहते हैं और इसके कारण मुझे यहाँ इंटरनली खतरा है अपनी जान को। तो वह वहाँ से यूएस से टेक्नोलॉजी चाहता है, और हम ये भी जानते हैं कि जो अमेरिका है वहाँ पे जो ज्यूस है उनका काफी जबरदस्त बोलबाला है, चाहे वहाँ की मीडिया देखो या वहाँ के जितने भी जो बड़े बड़े जो उद्योग घराने हैं उन सब पे ही जो यहूदी हैं उनका काफी
जबरदस्त कब्जा है, तो अमेरिका से अगर कोई भी लेना है तो यहूदियों को खुश रखना पड़ेगा, और यहूदियों का जो राष्ट्र है वो है इसराइल। ऐसे में ईरान कितना खतरा लेगा, और वह भी अपने देश के हितों को एक तरफ रखकर खाली जो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर, जो इस्लामी भाईचारा के नाम पर, तो ये अपने आप में सोचने की बात है। मुझे लगता है कि मैं पांडे साहब की बात से जो सहमत हूँ, जो उनका पूर्व निष्कर्ष था कि नहीं वो शायद ही हमला करें, पर देखते हैं, हो सकता है कि यह एक दबाव बनाने की हो, पर फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कब कौन से चिंगारी बड़ी आग में भड़क जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। रचना जी, अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ईरान और इसराइल में बढ़ती हुई जो टकराव की स्थिति है, ये अभी शांत होती हुई तो नहीं दिख रही है दूर दूर तक। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल पांडे और अरविंद तेजावत जी मेरे साथ में जुड़ने के लिए इस डिस्कशन में।